साथियों, अगला वक्ता के बतौर मैं आयसा के नेशनल प्रेसिडेंट सुचिता डे को बुलाना चाहूंगा, वो आए अपनी बात रखें। आयसा के ओर से यहाँ पे मौजूद तमाम सारे साथियों को इनकलाबी इस्तकबाल, जय भीम। साथियों, जामिया में आना जाना हमारा बना रहता है, क्योंकि जामिया के जो साथी हैं, जैसे कि रामा ने भी कहा कि देश बदलने की, समाज बदलने की, न्याय की जो तमाम सारी लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें हम हमेशा जामिया के साथियों को अपने साथ अपने संघर्षों में पाते हैं। एक दौर ऐसा भी था जिस समय आज हम स्टैंड विद JNU, सेव JNU का बात कह रहे हैं, एक दौर ऐसा भी था जहाँ जब यहाँ पे बतला हाउस इनकाउंटर हुआ था, और उस समय मैं खुद JNU की छात्रा थी और इस इलाके में आए थे जब एक खौफ का माहौल था। ठीक जिस तरीके से आज JNU के छात्रों को, HCU के छात्रों को डराया जा रहा है, उनके अस्तित्व के लिए डराया जा रहा है, उनके एग्जिस्टेंस के लिए डराया जा रहा है, क्योंकि उनके पास दिमाग है जिस दिमाग से वो सोचते हैं, जिस दिमाग से वो सवाल पूछते हैं, इसके लिए उनको डराया जा रहा है। और जामिया के साथी, जामिया के उन छात्रों को उस समय खौफ के एक माहौल में वो जिंदा थे और पता नहीं था कि किस वक्त किसके गोली से इसके बाद किसका जान जाएगा। और आज उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जामिया के बारे में बहुत लाजवाब, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में लाजवाब उन्होंने कमेंट किया था। नौजवान लोगों का जान गई थी और RSS खुश था। RSS इस बात से खुश था कि सिर्फ मुसलमान नहीं था, देश बांटने की जो राजनीति इनका है, वो राजनीति चैंपियन होते हुए दिख रहा था देश के सामने। ये सक्सेसफुली RSS दिखा सकता था कि देखो, आतंकवादी लोग जहां पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिस यूनिवर्सिटी के नाम पे इस्लामिया जुड़ा हुआ है, वहां पे ऐसे आतंकवादी रहते हैं। और उस समय कुछ बाउंड्रीज टूटे थे, JNU के छात्र, DU के छात्र, दिल्ली का सिविल सोसाइटी, ये बाउंड्रीज जो बनाने का कोशिश किया जाता है इंसानों के बीच में, जिस बात को रोहित वेमुला ने अपने सुइसाइड नोट पे कहा था, जिस बात को साथी उमर ने जेल से छूटने के बाद कहा था कि ये ऐसा एक देश बनाने का साजिश है जहां पे आपका नाम क्या है उससे तय होता है कि आपका अस्तित्व कैसे होगा, जहां पे आप किस घर में पैदा हुए हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं, पुरुष पैदा हुए हैं या महिला पैदा हुए हैं, उससे तय होता है कि आसानी से आपको मास्टरमाइंड बोला जाएगा कि नहीं, कि आसानी से गोली से आपको उड़ा दिया जाएगा और देश के सामने बोल दिया जाएगा कि ये आतंकवादी था, ये बच्चा जिसने अपना जिंदगी जिया नहीं, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली शहर में आया था, उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा और देश को समझाना बहुत आसान हो जाएगा कि उसका नाम फलाना है, इसलिए वो आतंकवादी था। साथियों, आज एक अद्भुत समय में हम खड़े हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे कुछ साथियों के ऊपर सेडिशन चार्जेस हैं। हाँ, ये बात सही है कि JNU अध्यक्ष, JNU जनरल सेक्रेटरी, साथी उमर, साथी अनिबन, आशुतोष, अनंत, इन लोगों के ऊपर सेडिशन चार्जेस है। लेकिन ये एक अद्भुत समय इसलिए भी है कि ये जो बाउंड्रीज में हमको बांधने का, हमें बांटने का जो साजिश है, वो बाउंड्रीज टूट रहा है। JNU में साथी गिरफ्तार हुए, स्टैंड विद JNU का नारा उठा तो जामिया के साथी सड़क पे, JNU के अंदर साथियों को बांटने का कोशिश हुआ। उमर खालिद को एक खास तरीके से फ्रेम किया गया, कहा गया कि जैश ए मोहम्मद से इनका लिंक है, इन्होंने कश्मीर में 500 कॉल किए हुए हैं, ये तो पाकिस्तान गए थे, बाद में पता चला इनके पास पासपोर्ट ही नहीं। और JNU के अंदर छात्रों को बांटने का जो साजिश था, के अंदर जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, उसके खिलाफ सवाल उठाया। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरनगर बाकी है जैसा फिल्म दिखाना चाहा, उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे के ऊपर सवाल उठाया। और ये जो साजिश था कि अगर
आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं तो बहुत आसानी से आप मान लीजिए कि उमर खालिद आतंकवादी है, मास्टरमाइंड है। आज के समय के स्टूडेंट यूथ मूवमेंट का ये खासियत है कि हम देश बना रहे हैं, हम इन बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं, हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे इमीडिएट आइडेंटिटी से तय नहीं होगा कि हम किस तरफ खड़े होंगे, हमारे इमीडिएट आइडेंटिटी से तय नहीं होगा कि हम आरएसएस के तरफ खड़े होंगे या आरएसएस के खिलाफ खड़े होंगे। आज इससे तय नहीं हो रहा है कि हम किस घर से पैदा हुए हैं, उससे तय हो रहा है। आज हम सारे लोग जिस बात को बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखते समय कह के गए थे और इस बात को बार बार कहना जरूरी है, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखते हुए कह के गए थे कि हम रिपब्लिक तो लिख दे रहे हैं, हमारे देश के संविधान में रिपब्लिक लिखा हुआ है, लेकिन लिख देने से रिपब्लिक नहीं बनेगा। अगर इस गणतंत्र को बनाना है तो लड़ना होगा और गणतंत्र एक्चुअली में ग्राउंड में बनाना होगा। और आज के समय में एचसीयू से लेके जेएनयू तक, जेएनयू से लेके जामिया तक और एएनयू तक जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई यही गणतंत्र को बनाने की लड़ाई चल रही है। एक अद्भुत समय में हम जी रहे हैं जिस समय हमारे पीढ़ी के नौजवानों को 1991 के बाद से एक अद्भुत समय हमारे देश में आया है। हम ही लोगों को पिछले 20 साल से ज्यादा समय तक समझाया गया कि निजीकरण आ रही है, यूनिवर्सिटी से फंड का कटौती हो रही है, हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है, इस देश के नौजवान पीढ़ी के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और हम ही को समझाया गया कि ये तो विकास हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जामिया में पढ़ाई लिखाई करो, फी हाइक हो मुंह बंद रखो, जामिया में अगर फी हाइक हो तो उसके खिलाफ विरोध मत करो, डिग्री पालो, सरकारी नौकरी तुमको नहीं मिलेगा, दर दर भटकते रहो नौकरी के लिए। और जिस वक्त आप ये सवाल उठाएं उस वक्त आपके सामने दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है। किसी वक्त एक मुसलमान का चेहरा सामने खड़ा करके देश को समझाया जाता है कि सारा दिक्कत तो इनके चलते है, ये आतंकवादी है। और किसी वक्त छात्रों को देशद्रोही बता के देश को बांटने का कोशिश किया जाता है। और आज इस देश के हुक्मरान बड़ा मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है कि जिस नाम से हमको बांटने का कोशिश किया जा रहा था, आज सड़कों पे हम अपना धर्म नहीं देख रहे हैं, हम अपना जाति नहीं देख रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए एक साथ सड़क पे उतर रहे हैं और देश का फ्यूचर तय करने के लिए एक साथ उतर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा है। कुछ नियम हमारे लिए इन लोगों ने तय करके रखा है, इन लोगों ने नियम तय करके रखा है, जो नियम ये कहते हैं भारत में अगर रहना है तो भारत माता की जय कहना। और हम तो महिला होके पूछते हैं कि भारत के अंदर माताओं का जो स्थिति है, महिलाओं का जो स्थिति है, वो अगर भारत माता का हश्र तुम करो तो हम तो भारत माता का जय ना कहेंगे। इन्होंने हमारे लिए नियम तय किया कि अगर तुम, हम किस घर में पैदा होंगे ये तो हम तय नहीं करते, लेकिन अगर तुम इस देश में जिसको मेजॉरिटी कहा जाता है उस घर में पैदा हुए तो तुम बचपन से मुसलमानों को नफरत करोगे, बचपन से तुम अपने दिल में जानोगे कि कहीं ना कहीं इन लोगों में तो हमेशा आतंकवादी होने का पोटेंशियल रहता है। लेकिन जिस दिन हम जैसे लोग पढ़ाई लिखाई करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पहुंच के उमर खालिद जैसे लोगों को कॉमरेड बनाते हैं, जब जेएनयू के लोग जामिया नगर के लोगों को कॉमरेड बनाते हैं और अपना धर्म नहीं देखते, जाति नहीं देखते, एक साथ सड़क पे उतरते हैं, तो उस वक्त इस देश के हुक्मरानों को लगता है कि जो नियम तय किया गया था वो नियम तो ये लोग मान नहीं रहे हैं, मनुस्मृति का नियम तो ये लोग मान नहीं रहे हैं, ये लोग तो बाबा साहेब अम्बेडकर के सपना देख रहे हैं, ये तो गणतंत्र बनाना चाह रहे हैं, ये तो धर्म निरपेक्ष देश बनाना चाह रहे हैं, ये तो ऐसा एक देश बनाना चाह रहे हैं जिस देश में हर एक बच्चे के लिए पढ़ने के लिए अच्छा सरकारी स्कूल हो, ये लोग तो ऐसा न...
फरमान। ये लोग तो ऐसा नारा बुलंद कर रहे हैं कि केजी से लेके पीजी तक हम मुफ्त में सरकारी शिक्षा चाहते हैं। ये लोग तो मिला जुला के दिल्ली के सड़कों पे उतरते हैं और ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हम निजीकरण नहीं सहेंगे। किसी का जिंदगी बचाने के लिए जब हॉस्पिटल में दर दर भटकता है, तब जब निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ये डिनाई किया जाता है, गरीब बच्चे का लाश प्राइवेट हॉस्पिटल में 3-4 दिन तक बंद रहता है क्योंकि उनके पिताजी के पॉकेट में पैसा नहीं रहता। और ये लोग तो धर्म बिना देखे, जाति बिना देखे, अपना जेंडर बिना देखे एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों की जिंदगी बचाने का। देश में मूलभूत अधिकार के पक्ष में ये लोग एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप इस बात को जान लीजिए, हमारा जो जेनरेशन है, ये जो स्टूडेंट यूथ एजेंडा क्या चीज है। शहला ने एक बात कहा, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन से अगर कुछ निकलना है तो वह स्टूडेंट यूथ एजेंडा निकलना है। ये स्टूडेंट यूथ एजेंडा है क्या? इस देश में बाबरी मस्जिद के खिलाफ और राम मंदिर के पक्ष में देश के स्टूडेंट यूथ को बांटने का कोशिश किया गया और हमारे लिए ये एजेंडा तय किया गया कि हम अपने शिक्षा का अधिकार भूल के, अपने रोजगार का अधिकार भूल के राम मंदिर बनाने के लिए देश में दंगा करवाएंगे। हमारे लिए ये स्टूडेंट यूथ एजेंडा नहीं है, ये ऐसा एक वक्त है। हमारे बीच में और एक देशद्रोही कॉमरेड पहुंच चुके हैं। ये लोग तो ऐसा नारा बुलंद कर रहे हैं
कि केजी से लेके पीजी तक हम मुफ्त में सरकारी शिक्षा चाहते हैं। ये लोग तो मिला जुला के दिल्ली के सड़कों पे उतरते हैं और ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हम निजीकरण नहीं सहेंगे। किसी का जिंदगी बचाने के लिए जब हॉस्पिटल में दर दर भटकता है, तब जब निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ये डिनाई किया जाता है, गरीब बच्चे का लाश प्राइवेट हॉस्पिटल में 3-4 दिन तक बंद रहता है क्योंकि उनके पिताजी के पॉकेट में पैसा नहीं रहता। और ये लोग तो धर्म बिना देखे, जाति बिना देखे, अपना जेंडर बिना देखे एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों की जिंदगी बचाने का। देश में मूलभूत अधिकार के पक्ष में ये लोग एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप इस बात को जान लीजिए, हमारा जो जेनरेशन है, ये जो स्टूडेंट यूथ एजेंडा क्या चीज है, शहला नेवा हमारे देश में आया है। हम ही लोगों को पिछले 20 साल से ज्यादा समय तक समझाया गया कि निजीकरण आ रही है, यूनिवर्सिटी से फंड का कटौती हो रही है, हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है, इस देश के नौजवान पीढ़ी के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और हम ही को समझाया गया कि ये तो विकास हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जामिया में पढ़ाई लिखाई करो, फी हाइक हो मुंह बंद रखो, जामिया में अगर फी हाइक हो तो उसके खिलाफ विरोध मत करो, डिग्री पालो, सरकारी नौकरी तुमको नहीं मिलेगा, दर दर भटकते रहो नौकरी के लिए। और जिस वक्त आप ये सवाल उठाएं, उस वक्त आपके सामने दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है। किसी वक्त एक मुसलमान का चेहरा सामने खड़ा करके देश को समझाया जाता है कि सारा दिक्कत तो इनके चलते हैं, ये आतंकवादी है। और किसी वक्त छात्रों को देशद्रोही बता के देश को बांटने का कोशिश किया जाता है। और आज इस देश के हुक्मरान बड़ा मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है कि जिस नाम से हमको बांटने का कोशिश किया जा रहा था, आज सड़कों पे हम अपना धर्म नहीं देख रहे हैं, हम अपना जाति नहीं देख रहे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए एक साथ सड़क पे उतर रहे हैं और देश का फ्यूचर तय करने के लिए एक साथ उतर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा है। कुछ नियम हमारे लिए इन लोगों ने तय करके रखा है, इन लोगों ने नियम तय करके रखा है, जो नियम ये कहते हैं भारत में अगर रहना है तो भारत माता की जय कहना है। और हम तो महिला होके पूछते हैं कि भारत के अंदर माताओं का जो स्थिति है, महिलाओं का जो स्थिति है, वो अगर भारत माता का हश्र तुम करो तो हम तो भारत माता का जय ना कहेंगे। इन्होंने हमारे लिए नियम तय किया कि अगर तुम हम किस घर में पैदा होंगे बांटने का कोशिश हुआ। उमर खालिद को एक खास तरीके से फ्रेम किया गया, कहा गया कि जैश ए मोहम्मद से इनका लिंक है। इन्होंने कश्मीर में 500 कॉल किए हुए हैं, ये तो पाकिस्तान गए थे, बाद में पता चला इनके पास पासपोर्ट ही नहीं। और जेएनयू के अंदर छात्रों को बांटने का जो साजिश था, के अंदर जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसके खिलाफ सवाल उठाया। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरनगर बाकी है जैसा फिल्म दिखाना चाहा, उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे के ऊपर सवाल उठाया। और ये जो साजिश था कि अगर आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं तो बहुत आसानी से आप मान लीजिए कि उमर खालिद आतंकवादी है, मास्टरमाइंड है। आज के समय के स्टूडेंट यूथ मूवमेंट का ये खासियत है कि हम देश बना रहे हैं, हम इन बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं, हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे इमीडिएट आइडेंटिटी से तय नहीं होगा कि हम किस तरफ खड़े होंगे, हमारे इमीडिएट आइडेंटिटी से तय नहीं होगा कि हम आरएसएस के तरफ खड़े होंगे या आरएसएस के खिलाफ खड़े होंगे। आज इससे तय नहीं हो रहा है कि हम किस घर से पैदा हुए हैं, उससे तय हो रहा है। आज हम सारे लोग जिस बात को बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखित समय कह के गए थे, और इस बात को बार बार कहना जरूरी है, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिखते हुए कह के गए थे कि हम रिपब्लिक तो लिख दे रहे हैं, हमारे देश के संविधान में रिपब्लिक लिखा हुआ है, लेकिन लिख देने से रिपब्लिक नहीं बनेगा। अगर इस गणतंत्र को बनाना है तो लड़ना होगा, और गणतंत्र
एक्चुअली में ग्राउंड में बनाना होगा। और आज के समय में एचसीयू से लेके जेएनयू तक, जेएनयू से लेके जामिया तक और एएनयू तक जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई यही गणतंत्र को बनाने की लड़ाई चल रही है। एक अद्भुत समय में हम जी रहे हैं, जिस समय हमारे पीढ़ी के नौजवानों को 1991 के बाद से एक अद्भुत साथियों, अगला वक्ता के बतौर मैं आयशा के नेशनल प्रेसिडेंट सुचिता डे को बुलाना चाहूंगा। वो आए अपनी बात करते हैं। आयशा के ओर से यहाँ पे मौजूद तमाम सारे साथियों को इनकलाबी इस्तकबाल, जय भीम। साथियों, जामिया में आना जाना हमारा बना रहता है, क्योंकि जामिया के जो साथी हैं, जैसे कि रामा ने भी कहा कि देश बदलने की, समाज बदलने की, न्याय की जो तमाम सारी लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें हम हमेशा जामिया के साथियों को अपने साथ अपने संघर्षों में पाते हैं। एक दौर ऐसा भी था जिस समय आज हम स्टैंड विद जेएनयू, सेव जेएनयू का बात कह रहे हैं, एक दौर ऐसा भी था जहाँ जब यहाँ पे बतला हाउस इनकाउंटर हुआ था, और उस समय मैं खुद जेएनयू की छात्रा थी और इस इलाके में आए थे जब एक खौफ का माहौल था। ठीक जिस तरीके से आज जेएनयू के छात्रों को, एचसीयू के छात्रों को डराया जा रहा है, उनके अस्तित्व के लिए डराया जा रहा है, उनके एग्जिस्टेंस के लिए डराया जा रहा है, क्योंकि उनके पास दिमाग है जिस दिमाग से वो सोचते हैं, जिस दिमाग से वो सवाल पूछते हैं, इसके लिए उनको डराया जा रहा है। और जामिया के साथी, जामिया के उन छात्रों को उस समय खौफ के एक माहौल में वो जिंदा थे और पता नहीं था कि किस वक्त किसके, मतलब गोली से इसके बाद किसका जान जाएगा। और आज उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जामिया के बारे में बहुत लाजवाब, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में लाजवाब उन्होंने कमेंट किया था। नौजवान लोगों का जान गई थी और आरएसएस खुश था। आरएसएस इस बात से खुश था कि सिर्फ मुसलमान नहीं था, देश बांटने की जो राजनीति इनका है, वो राजनीति चैंपियन होते हुए दिख रहा था देश के सामने। ये सक्सेसफुली आरएसएस दिखा सकता था कि देखो आतंकवादी लोग, जहां पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिस यूनिवर्सिटी के नाम पे इस्लामिया जुड़ा हुआ है, वहां पे ऐसे आतंकवादी रहते हैं। और उस समय कुछ बाउंड्रीज टूटे थे, जेएनयू के छात्र, डीयू के छात्र, दिल्ली का सिविल सोसाइटी, ये बाउंड्रीज जो बनाने का कोशिश किया जाता है इंसानों के बीच में, जिस बात को रोहित वेमुला ने अपने सुइसाइड नोट पे कहा था, जिस बात को साथी उमर ने जेल से छूटने के बाद कहा था कि ये ऐसा एक देश बनाने का साजिश है जहां पे आपका नाम क्या है उससे तय होता है कि आपका अस्तित्व कैसे होगा, जहां पे आप किस घर में पैदा हुए हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं, पुरुष पैदा हुए हैं या महिला पैदा हुए हैं, उससे तय होता है कि आसानी से आपको मास्टरमाइंड बोला जाएगा कि नहीं, कि आसानी से गोली से आपको उड़ा दिया जाएगा और देश के सामने बोल दिया जाएगा कि ये आतंकवादी था, ये बच्चा जिसने अपना जिंदगी जिया नहीं, जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली शहर में आया था, उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा और देश को समझाना बहुत आसान हो जाएगा कि उसका नाम फलाना है, इसलिए वो आतंकवादी था। साथियों, आज एक अद्भुत समय में हम खड़े हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे कुछ साथियों के ऊपर सेडिशन चार्जेस हैं। हाँ, ये बात सही है कि जेएनयू अध्यक्ष, जेएनयू जनरल सेक्रेटरी, साथी उमर, साथी अमित, अनिबन, आशुतोष, अनंत, इन लोगों के ऊपर सेडिशन चार्जेस है। लेकिन ये एक अद्भुत समय इसलिए भी है कि ये जो बाउंड्रीज में हमको बांधने का, हमें बांटने का जो साजिश है, वो बाउंड्रीज टूट रहा है। जेएनयू में साथी गिरफ्तार हुए, स्टैंड विद जेएनयू का नारा उठा तो जामिया के साथी सड़क पे, जेएनयू के अंदर साथियों को